विषाणु वायरस आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता या वे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम सजीवों की विशेषताएं या उनके लक्षण के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। विषाणु जैसे ही किसी कोशिका में प्रवेश करता है वह सजीवों के लक्षणों को पूर्ण करने लगता है, इसलिए विषाणुओं को सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य में रखा गया है। विषाणुओं का अध्ययन सूक्ष्म जैव विज्ञान में किया जाता है। विषाणु अति सूक्ष्म होते हैं, ये जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। विषाणु केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकते हैं। विषाणु स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए या आरएनए से बना हुआ लंबा अणु है जिस पर प्रथिन का आवरण होता है। डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा गया है क्योंकि यह न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस सेल का वह हिस्सा है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है जो क्वाइल्ड और सुपर क्वाइल्ड होता है। इस पूरे बंडल को क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम की संख्या हर प्रजाति में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य के एक सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर 2 स्टैंड का बना होता है जो एक दूसरे के एंटी पैरलर होते हैं। ये दोनों स्टैंड 3 कंपोनेंट से बने होते हैं, नाइट्रोजेनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप और डीऑक्सीराइबोस सुगर। एक स्टैंड का ए दूसरे स्टैंड के टी से बॉन्ड बनाता है। इसी तरह जी और सी मिलकर बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से दोनों स्टैंड आपस में जुड़े होते हैं। इन दोनों स्टैंड में जेनेटिक स्टैंड सेम होता है। डीएनए के कोड लैंग्वेज को मैसेंजर आरएनए पढ़ता है। आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए के कोड लैंग्वेज को पढ़ने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए अपना खुद का लैंग्वेज बनाता है जो डीएनए की तरह कोड से बना होता है। विषाणु वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिकाओं में ही रह सकते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रथिन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। इसके बाद पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती हैं और ये स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पतियों में विभिन्न रोग होते हैं। तंबाकू में पाया जाने वाला मोजाइक विषाणु, टमाटर में पाया जाने वाला विल्ट विषाणु, विषाणुओं के कारण वनस्पतियों की तरह प्राणियों में भी विभिन्न रोग होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में पाया जाने वाला पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, एचआईवी एड्स विषाणु, पशुओं में पाया जाने वाला पिकोरना विषाणु विषाणुओं के कुछ उदाहरण हैं।